नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.1 प्रश्न नंबर पहले का चौथा भाग हम कर रहे हैं। ये है, हमें जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो x माइनस 3 ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट 2x प्लस 1 बराबर x इंटू ब्रैकेट x प्लस 1। अगेन फिर से वही चीज़, पहले हम इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे। ये x पहले इस 2x से गुना होगा, फिर ये x इस 1 से गुना होगा। ऐसे ही ये माइनस 3 इससे गुना होगा, 2x है, और उसके बाद -3 1 से गुना होगा। ऐसे ही हम ब्रैकेट्स को गुना करके खोलते हैं, है ना बच्चों। तो x गुना 2x हो गया, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वेयर। एक्स इंटू 2x आएगा 2x स्क्वेयर। फिर x को +1 से गुना करना है, 1 को x से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा +1x। आगे है -3 इंटू 2x, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6x, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस का निशान। फिर 3 एकम 3, माइनस इंटू प्लस माइनस बराबर। ऐसे ही याद देखते हैं, एक्स इंटू एक्स, ये एक्स पहले इससे गुना होगा फिर इससे गुना होगा। एक्स इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वेयर, प्लस एक्स गुना 5 हो गया 5x। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों रकमों को बराबर के उधर ले जाएंगे ताकि बराबर के राइट साइड पे 0 बचे, क्योंकि वैसे ही द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड होती है। तो देखिए, लेफ्ट साइड वाली चीजें पहले लिख के रख लो। 2x² +1x -6x -3। अब ये एक्स स्क्वेयर है, यहाँ प्लस का है, इसके आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। एक्स स्क्वेयर है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो बन जाएगा -x². अब ऐसे ही ये +5x है, जब ये बराबर से उधर जाएगा तो बन जाएगा -5x। इसका निशान चेंज हो जाएगा बराबर। अब बराबर के राइट साइड से एक्स स्क्वेयर भी उधर चला गया, 5x भी उधर चला गया, बाकी क्या बचा? कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं बचा तो यानी कि हमारे पास बच गया है 0 अंडा, है ना। अब हम इसे हल करते हैं। हल कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वेयर वाली रकम देखिए, एक एक्स स्क्वेयर वाली रकम ये है, एक एक्स स्क्वेयर वाली रकम ये है, और कोई भी एक्स स्क्वेयर वाली यानी एक्स की घात 2 वाली रकम, एक्स की पावर 2 वाली रकम नहीं है। तो 2x² माइनस एक्स स्क्वेयर कितना हो गया? 1x² एक्स स्क्वेयर हो गया, ठीक है। अब एक्स वाली रकमें देखनी है हमने, ये भी एक्स वाली रकम है, ये भी एक्स वाली रकम है, ये भी एक्स वाली रकम है, और कोई इसमें एक्स वाली रकम नहीं है, 3 रकमें हैं, ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान से देखें, इसे हल करते हैं। -6 और -5 एक जैसे साइन वालों को पहले हल कर लो। -6 -5, माइनस माइनस, प्लस 6 और 5 11x, साइन माइनस का, तो ये आ गया -11x प्लस 1x, ठीक है। -11x प्लस 1x, माइनस प्लस माइनस, 11 में से 1 निकाला 10x, साथ में साइन बड़ी रकम का, 11 बड़ी है उसके साथ निशान है माइनस। तो इसका मतलब हमारे पास ये 3x वाली रकमों को हल करके जो उत्तर आया है वो आया है -10x, ठीक है। अब ये भी हो गया, 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 सिर्फ एक बिना एक्स वाली एक ही रकम है -3, उसको हम साथ में उतार लेंगे और यहां से बच गया बराबर 0। तो अब ध्यान से देखिए, यह जो है ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की है ना। तो हम लिखेंगे, यह इसमें x² वाली रकम भी है, x वाली रकम भी है, और बिना x वाली भी है। तो हम लिखेंगे, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कई सोचेंगे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कोई बात नहीं, b माइनस में भी तो हो सकता है ना, के रूप का है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें और अधिक मेहनत से वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।